A very good morning to all of you and welcome to my vlog. It's the fourth day of नवरात्रि. So normally जो हम लोग का रूटीन चलता है वही चल रहा है. रजनी नहाने गई हुई हैं, इनके बाद मैं जाऊंगा एंड फटाफट हम लोग पूजा करेंगे एंड देन वील हैव ब्रेकफास्ट. बट आई एम रियली रियली सॉरी फॉर माई वॉइस. पता नहीं क्यों कल से मेरी आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है. सो देर इज़ अ लॉट टू कम टुडे. एक्चुअली ममता बुआ की जो पुणे में अकेडमी है उसका एक कल्चरल इवेंट हो रहा है जिसके लिए मैं, रागनी और कन्नू जो हैं 20 मिनट्स के एक परफॉर्मेंस को आज शूट करने जा रहे हैं, विच इज़ स्केड्यूल्ड बिटवीन 3 to 6 PM टुडे. उसके पहले मेरे छोटे 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 करके बहुत सारे काम हैं, वो सब मैं खत्म करूंगा एंड देन आई मीट अप रागनी एंड कन्नू एट दादाज हाउस इन नोएडा. ये देखिए बना है साबुदाने की खिचड़ी. ये स्पेशल है, नवरात्र स्पेशल. मैं तो इतना सारा खा भी चुका. ये भी खा रही हैं, ये मुनक्का भी खाई जा रही हैं और साबुदाने की खिचड़ी भी खा रही हैं. इतना मस्त बना है ना. मत करो यार, फिर से क्लास छोड़ो तो रुक जाओ. मैंने रजनी को वही बताया था कि जब आप गाड़ी नहीं भी चला रहे हो और आप कोई और चला रहा है तो घूरते रहो. तो घूरते रहो नहीं, तो ऑब्जर्व करो, बिकॉज ऑब्जर्व ऑब्जर्वेशन से मैं बहुत काली दिख रही हूं. हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं. हाँ। हम तेरे सिर्फ तेरे मैं तेरे काले दिख रही हूं, देखो आप सही दिख रहे हो. हम तो हैं ग्लोइंग फेस एज ऑलवेज. आहा, इतना ज्यादा ग्लोइंग हो गया कि आंखें ही नहीं खुल रही मेरी. ओए है, नीचे करो इसको. अब यार आगे का ये फट्टा खोलने पे भी मेरे को कुछ धूप का वो नहीं है, मैं इससे नीचे हूँ. तो हम लोग निकल पड़े हैं कहाँ के लिए, सेक्टर 14 के लिए. रागनी इज़ ऑन द वे. वहाँ जाएंगे, थोड़ा बहुत तैयारी करेंगे, थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे जो जो हमें करना है उस चीज़ का, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे शूटिंग. तो अब हम लोग करने जा रहे हैं थोड़ी सी रिहर्सल. एक ज़रा सी स्नीक पीक मिलेगी आपको. देखो पहली बार मैं यहाँ आके चाय बना रही हूँ जब कोई नहीं है, ना चाची है ना बुआ है ना कोई, और मैं यहाँ चाय बना रही हूँ. दादा के घर में फर्स्ट टाइम कुछ बना रही हूँ. दादा आप भी देखना. हाँ मैं कहती अच्छे से चाय बना रही हूँ. दादा देखते भी हमारे ब्लॉग्स. यहाँ देखो मैं चाय बना रही हूँ और मुझे अकेले छोड़ के सब लोग अंदर बैठे हुए हैं. वैसे शूट का माहौल चल रहा है, मेकअप वेकअप चल रहा है. मैं दिखा रही हूँ मिड ऑफ द मेकअप है, कितने भूतिया लग रहे हैं देखो. कैसे? मैंने मैंने पहले ही सबको बता दिया कि ये लोग बीच में हैं मेकअप के, देखना कितने भूतिया लग रहे हैं. लेकिन एक ही बाथरूम में घुसेंगे तीनों. और इनको उस पे मुंह भी धोना है अभी. कह रहे हैं कि मुझे यार भैया उधर उधर ही मुंह धोना है और सबसे छोटे वाले बाथरूम में ही घुसना है, बाकी वाले नहीं. ये वाला ये बिब दिया है मुझे इसने, ये बिब. इसको मैं बड़ा अच्छे से पहनूंगा. रुको देखो इनको इनको दोनों बहनों के बीच में घुसना बहुत पसंद है. और दोनों देखो बेचारों को कैसे पीछे खड़ा किया. जल्दी धो. अबे तू पहले तो बता इसमें फेस वॉश कौन सा है. ये क्या लिखा है देखना. अब इरिटेट करने के लिए फेस वॉश चाहिए. इरिटेट करने के लिए 10 मिनट लगाएंगे मुंह धोने में. नहीं नहीं भाई, 1 मिनट लगेगा. दो 10 मिनट दुबला दुबला बेचारे दोनों पीछे कैसे बिगाड़ रहे. अब मेरा मुंह ना अजीब गंदे जैसा लगेगा वीडियो में. एक तो पहले से ही गंदा है. देखो डांस करते टाइम रागिनी कैसे पतली लगती है, ठीक है ना. ये है सब राज. ऐसे तुम हो गई हो. ये मैंने किया है. पूरी दुनिया को सच्चाई बता रही हूँ. बहुत पतली हुई है रागिनी. देखो किया है ये करती है थोड़ा. ये मैं करती हूँ. तो जी हो गया है अपना आधा मेकअप.
अब ये आधा मेकअप ही रहेगा बिकॉज आई विल नॉट डू दी आईज एंड आई विल नॉट डू एनीथिंग एल्स, जो भी आपको दिख रहा है वही रहेगा. बिकॉज नंबर वन, एक तो दिस इज़ अ कुर्ता, इट्स अ नॉर्मल कुर्ता, इट्स नॉट अ कॉस्ट्यूम. तो अगर आप कॉस्ट्यूम पे फुल मेकअप करोगे तो अच्छा लगता है, हाफ मेकअप करोगे तो ख़राब लगता है. अगर आप कुर्ते पे फुल मेकअप करोगे तो बहुत ख़राब लगता है. नंबर दो, बड़ी दुख की बात है कि नवरात्र में मैं ये अपना दाढ़ी वाड़ी बनाता नहीं हूँ, तो इसके साथ ही नाचना पड़ेगा. अदरवाइज़ ये तो मेरे लिए मतलब प्रोहिबिटेड है, मैं तो ज़िंदगी में कभी नहीं नाच सकता दाढ़ी रख के, तो मुझे काटने की आदत है. खैर एनीवेज, जो अभी हिसाब है वो हिसाब है, जो हम नहीं कर सकते वो हम नहीं कर सकते. सो बस थोड़ी देर में रागनी एंड कन्नू आर गेटिंग रेडी, वो लोग नीचे उतरेंगे, उसके बाद हम लोग एक और फाइनल रिहर्सल करके विल स्टार्ट आवर शूट. स्टेज को साफ किया जा रहा है, जिसके पहले हम अपने हसीन कर कमलों से हम लोग यहाँ पे नाचे, उसके पहले स्टेज साफ किया जा रहा है. स्पॉट दादा, अरे बेटू हमें यहाँ नाचना ही नहीं है, उतर आगे. ये मैं तो वो भी नहीं कर सकता. नो ज्वेलरी, ये डिब्बा बैंगल्स है जो मुझे शालू ने गिफ्ट किए थे. श्रेयाना अगर तुम देख रही हो ये व्लॉग, मुझे श्रेयाना देखती है रोज. ये दादा दी दा दो 3 4 5 6 दादा दा दी 1 2 1 2 1 2 मैं यहां से गिफ्ट कोड बना दूं. ब्राइट लगनी चाहिए. देखो खड़ी नाक बना रही है भैया के. तो हो गई हमारी रिकॉर्डिंग, इट वेंट वेरी वेरी नाइसली, बहुत मज़ा आया. बड़े दिनों बाद रागनी और कन्नू के साथ नाचा हूँ मैं, इन्जॉयड एवरी बिट ऑफ इट. एंड अगर रजनी नहीं होती तो भैया पता नहीं कौन कैमरा संभालता. अच्छा हुआ रजनी आ गई साथ में, सीरियसली मतलब इनको एक्चुअली मेरे साथ काम कर करके ना एकदम समझ आ गया कि मेरे को क्या चाहिए. मतलब आधी चीज़ तो मेरे बिना बोले कर देती हैं ये तो. हाँ आई नो, ठीक है, तारीफ कर दो बस इनकी कुछ. तो लाने के लिए मना नहीं कर रहे थे कि नहीं जाना. तो सफ़रनामा की जो हमारी अगली कड़ी है उनकी फाइल बस रेडी हो रही है लैपटॉप में, एंड एडिटर जी को जाएगी अब. तो जस्ट थोड़ा सा एक्चुअली फाइल साइज बहुत बड़ा था, सो आई एम जस्ट मेकिंग अ वेरी स्मॉल डिफ्लेक्शन इन साइज. तो वो जैसे ही हो जाता है उसको बाद में उसको अपलोड पे डाल दूंगा, एंड देन आई शेयर माई ड्राइव लिंक विद द एडिटर, तो काम आगे बढ़ेगा. सो दैट्स व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ. आई जस्ट हैव टू सिट एंड वॉच, कुछ नहीं, वो अपना काम कर रहा है जो उसको करना है. सो इट्स द एंड ऑफ अनदर डे, सॉलिड थक गया आज बड़े दिनों बाद, बहुत ज़्यादा नाचा. सो अच्छा खासा बॉडी एकदम चरण मरड़ हो रखी है. Anyways, I really hope you liked the vlog, and if you did, do subscribe to my channel and follow me on Instagram, and don't forget to hit the bell icon. And as always, stay safe, stay positive, and I'll see you in the next one. Here goes off the light.